प्याज सब्जियों की कीमतों में उछाल, 8 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई। बार्कलेज रिसर्च के मुताबिक थोक खाद कीमतों में बढ़ोतरी खुदरा कीमतों की तुलना में अधिक रही। ये दर्शाता है कि थोक विक्रेताओं ने मूल्य वृद्धि का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला। नवंबर महीने की थोक महंगाई के आंकड़े जारी हो गए हैं। थोक मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 0.26% हो गई। खाद्य पदार्थों खासकर प्याज सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार 0 से नीचे बनी हुई थी। अक्टूबर में यह 0.52% नीचे थी। आखिरी बार मार्च में यह सकारात्मक दायरे में रही थी, तब यह 1.41% दर्ज की गई थी। क्या कहा सरकार ने? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नवंबर 2023 में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, खनिजों, मशीनरी व उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल पदार्थों, मोटर वाहनों, अन्य परिवहन उपकरणों और अन्य विनिर्माण वस्तुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण सकारात्मक दायरे में रही। प्याज की महंगाई बढ़ी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति नवंबर में 8.18% रही, जो अक्टूबर में 2.53% थी। प्याज में मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर नवंबर में बढ़कर 101.24% हो गई, जो पिछले महीने 62.60% थी। घरेलू उत्पादकता बढ़ाने और खुदरा बाजार में कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह अगले साल मार्च तक ब्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सब्जियों की मुद्रास्फीति 10.44% रही, जो अक्टूबर में 21.04% थी। धान और फलों में नवंबर में मुद्रास्फीति क्रमशः 10.44% और 8.37% रही। आलू के मूल्य वृद्धि दर 0 से 27.22% से नीचे रही। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति नवंबर में 0 से 0.64, ईंधन व बिजली की मुद्रास्फीति 0 से 4.61% नीचे और गैर खाद्य वस्तुओं की 0 से 3.20% नीचे रही। बार्कलेज रिसर्च के मुताबिक थोक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी खुदरा कीमतों की तुलना में अधिक रही। यह दर्शाता है कि थोक विक्रेताओं ने मूल्य वृद्धि का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला। इसके चलते दिसंबर में आपूर्ति नहीं बढ़ी, जो खुदरा खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती थी। RBI ने रेपो रेट में किया बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीति दर रेपो को यथावत रखा था। साथ ही नवंबर और दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने के संकेत दिए थे। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खुदरा या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 5.55% पर पहुंच गई।